नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। कुकिंग बड्डी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 2 कप दूध से शाही टुकड़ा बनाना बताती है। आप लोगों ने स्ट्रीट फूड में बहुत खाया होगा, घर में सबसे सरल तरीके से आसान मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, मैंने इसमें ये रस्क ले लिए हैं। आप लोग चाहे तो इसको ब्रेड ले सकते हैं। ब्रेड को तल के रखना पड़ेगा। और मैंने 2 कप दूध लिया हुआ है, 1 कटोरी शक्कर ली है, थोड़ा सा मिल्क मेड पाउडर लिया हुआ है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लिया है, और मैंने ऑरेंज संतरे का रस निकाल के रख लिया है। ये मैंने थोड़ा सा ये ले लिया है, काजू ले लिया है ड्राई फ्रूट के लिए। इसको बनाने के लिए सबसे पहले गैस ऑन करती हूँ और शक्कर जो लिए है पहले शक्कर बनाते हैं। इसका पानी बनाना, थोड़ी सी मैंने शक्कर इसको बदल लिया है और इसमें 1 कटोरी शक्कर में 2 पानी डालना है। शक्कर के घुलने तक इसको पकाना है। इसकी चाशनी नहीं बनाना, जब शक्कर घुल जाएगी तो इसके बाद इसमें कलर फूड या फिर जो मैंने संतरे का रस निकाल के रखा हुआ है, आपको जो भी फ्लेवर अच्छा लगे वो डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें ये रस रखा था, ये डाल दिया कलर। आप चाहे तो कलर भी डाल सकते हैं और कोई सा भी फ्रूट कलर जो भी आप लोगों को पसंद है वो डाल सकते हैं। केसर भी डाल सकते हैं, केसर। बस एक उबाल आने पर इसको बंद कर देंगे। ऑयल हो गया है, इसकी चाशनी नहीं बनाना है। इसको साइड में रख देते हैं। अब दूसरा पैन लेते हैं। इसमें दूध डालते हैं। और मैंने थोड़ी सी शक्कर बचा कर रख ली थी तो ये शक्कर डाल देते हैं। थोड़ा सा मैंने एक कॉर्नफ्लोर लिया हुआ था, इसको थोड़ा सा जो दूध बचाया है इसको भिगा के इसको इसको दूध में डाल देते हैं। और इसको चलाते हैं। ये मैंने मिल्क मेड लिया था, थोड़ा सा इसको भी डाल देते हैं। और शक्कर आप लोग अपने इच्छा अनुसार जितना मीठा चाहिए है आप उतना ले सकते हैं।
इसको थिक होने तक पकाएंगे। देखिए गाढ़ा हो चुका है कितनी जल्दी। इसको बंद कर देते हैं गैस, क्योंकि ये रखने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। ये इसके बाद ये देखिए मैंने ये लिया हुआ था रस लिया है, आप एक कोई ऐसा बर्तन लीजिए इस जिसमें रखना हो आपको। और जो मैंने इसका पानी बनाया हुआ था ये इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देते। के बाद देखिए ये मैंने ये बनाया हुआ था जो दूध इसके ऊपर से ये भी डाल। इसके बाद फिर से एक लेयर रख देंगे। इसके बाद इसको 4 घंटे तक फ्रिज में रख देते हैं जमने के लिए। उसके बाद आप ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं।
ठीक है, आप लोग बनाइए, आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कर दीजिए।